मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक दिव्यांग युवक ने एक बुजुर्ग महिला की गोली मारकर हत्या कर दी है। सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि लोग इस घटना की वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी ने भी महिला के बीच बचाव के लिए कोई नहीं आया और ये वीडियो सोशल मीडिया में तेज़ी से वायरल हो रहा है। जो भी ये वीडियो देखता है वो सहम जाता है। ये व्यक्ति का नाम मोनू है, जो बीजेपी युवा मोर्चा के एक नेता का रिश्तेदार बताया जा रहा है। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया है, पुलिस तलाश में जुटी हुई है। आपको बता दें कि सोरो कोतवाली क्षेत्र के गांव होडलपुर में बृहस्पतिवार की सुबह 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला श्यामवती की गोली मारकर हत्या गांव के ही दिव्यांग युवक मोनू ने सरेआम वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि ये महिला अकेले अपने घर में रहती थी और उस घर पर मोनू कब्जा करना चाहता था, मगर इस काम में मोनू सफल नहीं हो पा रहा था। और बृहस्पतिवार की सुबह 10 बजे उसी महिला के घर के सामने इस दिव्यांग मोनू ने महिला पर 2 गोलियां चला दी। जब महिला को अस्पताल पहुंचाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर पुलिस के साथ आला अधिकारी भी पहुँच गए, मगर दिव्यांग मोनू कहीं छिपा हुआ है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।